राखी प्रखंड अंतर्गत खिरहर थाना क्षेत्र के खिरहर धरहर नाथ महादेव मंदिर परिसर में बीती रात दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दिया गया। मृतक साधु की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिरियापुर निवासी 60 वर्षीय हीरा दास व भगवानपुर निवासी 40 वर्षीय आनंद मिश्र के रूप में बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 12 बजे अज्ञात अपराधियों ने मंदिर में सो रहे दोनों साधु को कुदाल से काट कर घर से सर अलग कर दिया। इसके बाद लाश को छुपाने के लिए घसीट कर बगल के भूसा घर में कपड़ा से लपेट कर दोनों के शरीर व एक सर को भूसा में छुपा दिया और एक मुंडी को बगल के चार दीवारी के समीप गड्ढा में रखकर ढक दिया। इसके बाद बगल कमरे में चुपचाप देख रहे प्रत्यक्षदर्शी नारायण दास ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सबको ढूंढा गया जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार, सहरघर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मामले की जाँच कर रहे थे। थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि घटना दुखद है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ विशेष बता पाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी इसी जगह पर एक व्यक्ति को चाकू से गोदकर हत्या का प्रयास हुआ था लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। धरहरनाथ महादेव मंदिर परिसर शराबी व जुआरियों का अड्डा बन चुका था जहाँ से शराब का कारोबार होता था जिसकी सूचना पूर्व में भी पुलिस को थी, लेकिन अगर पहले कार्रवाई हुआ होता तो आज इतनी भयावह घटना शायद नहीं होती। यहाँ एक साधु थे, एक पुजारी है यहाँ नारायण दास और भी एक सिरियापुर के हीरा दास जी हैं और एक आनंद जी, वो लोग आ जाया करते थे यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। रात में उनका निर्मम हत्या कर दिया गया है जबकि नारायण दास स्वयं उस बगल के घर में सोए हुए थे। वो बता रहे हैं कि एक आदमी को कोदारी से हम काटते हुए देखे लेकिन जिस कमरे में वो हैं और एक मुर्गी को काटता है तो छपट छपट करता है, कोदारी से जिस तरह दो आदमी को काटा गया है वो नहीं जाने होंगे ऐसा लगता नहीं है। या तो उनको दहशत पैदा कर दिया गया है, इतना दहशत डाल दिया गया है कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे हम अगर तुम बताओगे तब। अच्छा, दो साधुओं की हत्या एक साथ कर दी गई है? हाँ, एक साथ दो साधुओं की, उनका घर अलग कर दिया गया था और ये भूसा में घसीट के लाया गया है। उस लाश को मकान में भी छीटा है और घसीट के लाया गया है, फिर इसमें भूसा में रख के और भंगा से जितना भी भूसा है ढक दिया गया था और उसी में खोजने पर एक मुड़ी मिला। यह हत्या कौन लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई सुराग मिला है पुलिस को? सामाजिक तत्व, इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व एक मुखिया जी का, एक दिनेश मुखिया का यहाँ मारपीट करके घायल कर दिया गया था और एक चोरी भी हुई थी, चोरी भी हुई थी इसी स्थान पर। हाँ, इस स्थान के बगल में उसको एक गेहूँ खेत में रखा था जहाँ से हम लोगों ने लाद के और एक सनहा उसी रात में एक मोबाइल चोरी भी हुई थी लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वो आदमी जेल मैंने हॉस्पिटल से लौट के आया होगा, उसको हुआ कुछ नहीं, पता नहीं चल सका। और बाद में उसकी सुने जो वहाँ पंचायती 10 आदमी 20 आदमी मिलकर पंचायती किए, 50 आदमी तो एक आदमी पंचायती किए जो 15,000 रुपया तुम दे दो हो जाएगा। तो इतनी ऐसी ऐसी घटना को दबा देना ही बड़ी घटना को अंजाम दिलाता है। बताइए एक साधु के पीछे कौन है, कहाँ कोई हमको मार देगा या हमको मार देगा, हम छोड़ देंगे, हमारे परिवार छोड़ देंगे। लेकिन एक निर्मम हत्या साधु, ये एक दहशत है, दहशत है। इनको किन्हीं से कोई विवाद भी था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं। साधु महात्मा गाजा भांग पीते थे और साथ साथ यहाँ पर दारूबाजी का भी अड्डा बन गया हुआ है यहाँ रात बिरात में। एक ये भी कारण हो सकता है कि भाई जो यहाँ जो दारू आके बांटते हैं अब कोई साधु रहने नहीं लगे, इतना फ्री दुर्ग कहाँ मिलेगा गांव घर से अलग। बहुत दुख की बात है कि मंदिर कैंपस में इतनी बड़ी हत्या है।